हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गानिया फिरदौस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ पॉलीनोमियल्स। सो एडिशन ऑफ पॉलीनोमियल्स क्या होता है पहले एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद हम मैं आपको पूरा सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगी कि इसको सॉल्व, इसका आंसर कैसे लाया जाता है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। सो गाइस, ये पढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, हम एडिशन ऑफ पॉलीनोमियल वर्टिकली मेथड में करेंगे, ठीक है, वर्टिकल मेथड में करेंगे। और इसके अलावा मैंने एडिशन ऑफ पॉलीनोमियल और सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलीनोमियल हॉरिजॉन्टली भी पढ़ाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इजीली डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हैं। इसके अलावा मैं सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलीनोमियल भी पढ़ा चुकी हूँ वर्टिकली मेथड में, तो उसका लिंक भी अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग इसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की मोर वीडियोस के लिए। और वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हम एडिशन ऑफ पॉलीनोमियल वर्टिकल मेथड में करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, एड ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस टू बी सी प्लस थ्री सी स्क्वायर। ऐड करें ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस टू बी सी प्लस थ्री सी स्क्वायर को टू ए बी प्लस स्क्वायर माइनस थ्री बी सी माइनस फोर सी स्क्वायर एंड इसको करें, और ए बी माइनस फोर बी सी प्लस सिक्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इन तीनों को हमें ऐड करना है। तीन पॉलीनोमियल्स गिवन है, टू भी हो सकते हैं तो और थ्री भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको तीन का करवाऊंगी ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो दो का भी मैंने हॉरिजॉन्टली में करवाया है और उसमें तीन का भी करवाया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो अब मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ के बता दिया है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि वर्टिकली मेथड में इसको कैसे किया जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो चलें, अब मैंने यहाँ पर जो पहला पॉलीनोमियल था वो तो ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब ये मैंने पूरा, आप पहला पॉलीनोमियल देख सकते हैं, इसको अभी भूल जाएं। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस टू बी सी प्लस थ्री सी स्क्वायर, ठीक है गाइस, मैंने पहला पॉलीनोमियल इतना लिख दिया है। उसके बाद जो हमारा दूसरा पॉलीनोमियल है वो हमने किस तरीके से लिखा है, वो हमने इसी तरह पहले वाले की तरह नहीं लिख दिया कि हमने एज इट इज़ ऐसे लिख दिया, वो हमने उसकी जो टर्म्स हैं, टर्म्स के नीचे टर्म्स सेम टर्म्स हैं उसके नीचे मिला के लिखा है। अब देखें, जैसे यहाँ पर हमारे पास इसके साथ था, इसको अभी भूल जाएं, प्लस टू ए बी हमारा ये था, ए बी के नीचे हमने टू ए बी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने थ्री बी सी को देखा, बी सी के नीचे हमने थ्री बी सी को के नीचे हमने टू बी सी लिख दिया, सॉरी प्लस टू बी सी के नीचे हमने माइनस थ्री बी सी लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारी एक टर्म बची थी फोर सी स्क्वायर, अभी एक और है सेकंड लास्ट टर्म जो हमारी बची है वो है माइनस फोर सी स्क्वायर, तो हमने इसको नीचे इसके सेम टर्म के नीचे लिख दिया, मतलब इसके वेरिएबल्स जो सेम हैं उसके नीचे हमने लिख दिया प्लस थ्री सी स्क्वायर के नीचे माइनस फोर सी स्क्वायर, ठीक है। अब जो हमारे पास लास्ट है वो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को कहाँ रखें, तो ये मैंने इसको इसके अलावा, मतलब यहाँ तक तो तीन, मतलब पहले पॉलीनोमियल में कितनी टर्म्स है, फोर, वन टू थ्री फोर, तो वन टू थ्री फोर यहाँ तक तो फोर आ गई, लेकिन जो है हमारा जो वेरिएबल्स मिल नहीं रहे थे तो हमने इसको अलग से लिखा। अब यहाँ पर मैंने ज़ीरो बी स्क्वायर क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ भी बी स्क्वायर था, तो हमने ज़ीरो इसलिए लिखा ताकि ये जो है बिल्कुल इक्वल हो जाए टर्म्स, हमारे पॉलीनोमियल्स की जो क्वांटिटी है उसकी जो हमारे लिखने का मेथड है वो बिल्कुल इक्वल हो जाए, इक्वलिटी। लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप इसकी जगह खाली भी लिख सकते थे। तो हमने आप ए स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर है, हमारे पॉलीनोमियल में ये मौजूद नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर इक्वल करने के लिए इसको इसके वेरिएबल के साथ ज़ीरो लगा दिया, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बस हमने इक्वल करने के लिए पॉलीनोमियल्स को उनकी टर्म्स इक्वल करने के लिए हमने बस ये लगाया। आप चाहें तो नहीं भी लगा सकते, लेकिन अगर लगाएं तो अच्छी बात है। तो अब हमारा तीसरे पॉलीनोमियल पे आ जाएं, तो ए बी माइनस फोर बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हमने इसको इसी तरीके से वेरिएबल्स उसके सेम वेरिएबल्स के नीचे लिख दिया, माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए टू ए बी के साथ नीचे ए प्लस ए बी माइनस फोर बी सी के नीचे, और ये लिख दिया, और फिर प्लस सी स्क्वायर माइनस फोर सी स्क्वायर के नीचे, मतलब सेम वेरिएबल जितने भी थे तो हमने ऐसे एज इट इज़ ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पर कुछ वेरिएबल नहीं था हमारे पास, हमने जीरो बी स्क्वायर लिख दिया। बी स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर वाले टर्म में बी स्क्वायर है। तो चले, अब हमने सेट सारे जो है वो पॉलीनोमियल्स अच्छी तरीके से लिख लिए हैं, सॉल्व करने के लिए अभी रेडी हैं। तो चले, अब मैं बताती हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ए स्क्वायर
जो ये वाली बीच वाली है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें देखना किसको है, इसको और इसको। तो इसके साथ कुछ नहीं है, प्लस है, तो प्लस का ए स्क्वायर और ये माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल, तो हमने इसको यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइनस इस एडिशन को तो बहुत ही सिंपल होता है, सब्ट्रैक्शन में थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप मुझसे आसानी से उसका पढ़ना चाहते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ईजीली कैसे सॉल्व किया जाता है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलें आगे बढ़ते हैं। ए माइनस ए बी है, प्लस टू ए बी है, प्लस ए बी है, तो अब ये तो हो गया माइनस के ए बी और प्लस के ए बी कैंसिल, क्या बचा, प्लस टू ए बी एज इट इज़ ऐसे लिख दें, क्योंकि और कोई टर्म ही नहीं है तो हम ऐसे लिख देंगे। तो आगे हमारे पास है प्लस टू बी सी माइनस थ्री बी सी, तो अब हमने क्या किया, माइनस प्लस माइनस थ्री बी सी में से टू बी सी माइनस किया, तो क्या बचा हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ, माइनस बी सी। माइनस बी सी में हमने माइनस बी सी है और माइनस फोर बी सी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस फाइव बी सी हो गया, फोर प्लस वन फाइव। ठीक है, तो फाइव बी सी हो गया। आगे क्या है, सी स्क्वायर वाले टर्म्स है, तो सी प्लस सी प्लस थ्री सी स्क्वायर, और यहाँ पर जो है अच्छा जी पहले आप ये देखिए, प्लस थ्री सी स्क्वायर और यह प्लस वन कुछ नहीं है तो वन सी स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पर ये हो गया ये और ये प्लस का फोर सी स्क्वायर, तो प्लस का फोर सी स्क्वायर माइनस का फोर सी स्क्वायर कैंसिल, तो हमने यहाँ लिख दिया ज़ीरो। आगे है, आगे हमारे पास कुछ नहीं है, इसकी और इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको एज इट इज़ हमने एज इट इज़ लिख दिया। तो जो हमारा रिक्वायर्ड सम है टू ए बी, सो टू ए बी माइनस फाइव बी सी प्लस बी स्क्वायर इज़ द रिक्वायर्ड सम। ठीक है गाइस, तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। सो इसकी जो सिंपल सा डेफिनेशन है वो ये है, पॉलिनोमियल्स कैन बी एडिड बाय कंबाइनिंग लाइक टर्म्स यूजिंग कम्यूटेटिव एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, इट कैन बी डन बाय हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैथड, बट इन दिस वीडियो वी वर सॉल्विंग विद वर्टिकल मैथड। तो चलें, मैंने आपको पूरा वर्टिकल मैथड समझा दिया कि इसको कैसे वर्टिकली किया जाता है, कैसे इसको समझा जाता है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। हॉरिजॉन्टली पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।